doggy do? Boo. Huh? How does doggy do? Boo. Jessica, boo. 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 तो शिकार नया सीखा है डॉगी को बोलती बो कि डॉगी ऐसे कहता है. सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज अमानी एंड वाचिंग फर्स्ट फ्रॉम माय वी. टुडे इज ट्यूसडे. हरिद्वार जा चुके हैं राहुल और हम बहुत तगड़े वाला सोए हैं. सुबह उठे थे हम लोग, उसके बाद फिर पढ़ा ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के और मैं और तुषिका बहुत अच्छे से सोए. इतने ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, यू कान बिलीव. एंड अभी हम तुषिका को थोड़ा सा अभी खिलाया लंच में सारलेक. ये रेडीमेड सारलेक मैंने खिलाया. मोनी डब्बा होगा ना सारलेक वाला. अभी मैंने तीन सामान मंगाए हैं तुषिका के लिए. एक तो ये सारलेक व्हीट ऑरेंज वाला है, एक ये वाला बहुत पसंद है तुषिका को. अगर बहुत अच्छा खीर जैसा टेस्ट आता है, मीठा मीठा सा, बहुत ज़्यादा अच्छा है. और ये नैन एक्सेल नैन प्रो मंगाया है, टू स्टेज टू वाला. तो ये हम लोग अब डब्बा हमारा खाली हो गया, हम लोग इसको डब्बे में डालेंगे. जो हमारे नैन एक्सेल प्रो वाले डब्बे ऑलरेडी हैं हमारे पास, उसमें डालेंगे, उसमें ऑर्गेनाइज करेंगे. मुनी लेके जाओ, चल मैं डाल रही हूँ. तो ये वाला हमारा है राइस पॉरेज का, राइस सैरलेक का डब्बा है. मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी जो भी पैकेट आया है. सैरलेक भी मुझे ट्रांसफ़र करना है, पाउडर भी मुझे ट्रांसफ़र करना है. त्रिशिका अभी नीचे आप देख रहे हो बहुत गंदा है क्योंकि त्रिशिका ने सारा फैला दिया. एंड त्रिशिका इज वेयर 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 त्रिशिका देयर इन द पॉट. हाय हाय डार्लिंग, हाय हाय, ये लव यू फ्लाइंग किसी. त्रिशिका डॉगी डूज बो बो. अब नहीं करी, आई डोंट नो व्हाई. त्रिशिका डॉगी डूज बो डूज. हमारा ना रूटीन चेंज हो गया. हम लोग त्रिशिका को हम रात को शाम को नहला के फिर सुला देते हैं और इसकी मसाज भी शाम को होती है क्योंकि बहुत गंदी गर्मी है. रह नहीं पाइए मसाज करा के, तो शाम को थोड़ा ठंडा हो जाता है तब हम त्रिशिका को मसाज कराते हैं. कल हमारी बर्थडे, हम लोग बर्थडे पार्टी में गए थे, खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की हम लोगों ने. यस, तो मैं फटाफट डब्बों में ट्रांसफ़र कर दूँ जो जो सामान आया है. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. इसके बाल अब आगे आने लग गए हैं, टाई करते हैं. ओके, यू वॉन्ट टू कम आउट, यू वॉन्ट टू कम आउट. हु इज दिस? This is Trishika. Okay, come, come, come. Eight minute, guys. शिका. और एक गुड न्यूज़ है, आज हम लोग जा रहे हैं टोकन मनी देने. पता नहीं क्यों आप लोगों को भी कभी डर होता है कि कुछ घर वगैरह जो बड़ी चीज़ कभी परचेज़ करते हैं तो बहुत डर सा फील होता है. सेम हैपनिंग विद मी, मुझे पता नहीं क्यों डर सा फील हो रहा है. बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील हो रहा है और डर भी फील हो रहा है, बट पता नहीं कैसा रहेगा क्या रहेगा. तो राहुल को बुलाया जल्दी, तो हम लोग आज उनको टोकन मनी दे देंगे. थोड़ी देर में मिलती हूँ, बाय. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make cold. One thing, within 3 months में ये जो नैन प्रो है इसका दाम कितना बढ़ गया. ये पहले 530 का आता था, उसके बाद फिर ये 550 का आया और अब जाके ये आ रहा है 575 का. इसका कॉस्ट शो यू मेरर में जा रही है सेल्फी से, तो इसका कॉस्ट हो गया 575. दैट मीन्स मिल्क पाउडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं. नेस्ले वालों प्लीज़, हम लोग तुम पे निर्भर है, इतना ज़्यादा वेट मत बढ़ाओ. ये जो ऑरेंज सैरलेक आया है इसका वेट, इसका कॉस्ट है 223 रुपीज़. एंड सेम इज़ विद वो वाला चावल वाला, उसका भी उतना ही है. और उस 6 मंथ का जो आता है वो 180 कुछ का होगा. अब उसका रेट बढ़ गया होगा, आई डोंट नो. तो मैं आपको दिखा दूँ नेस्ले का दाम. ठीक है, 575. एंड ये भी न्यू पैक है बिल्कुल. फोर हंड्रेड ग्राम्स है ये. तुषिका राइट ओम ओम सी ओम.
flower. Wow. You also draw? चादर गद्दी करेगी. नहीं नो नो चादर. ओ दिस यू कैन सी. ओ वी आर वॉचिंग रब ने बना दी जोड़ी. और लेट मी शो यू. जा रहे हैं टोकन मनी लेने घर के लिए. अजीब सा हो रहा है. फर्स्ट टाइम अजीब सा फील हो रहा है. डिनर में बन रहा है पनीर की सब्ज़ी और करेले. अभी बनी नहीं ना. पनीर की और करेले की सब्ज़ी बन रही है. बहुत गर्मी हो रही है. मैंने इसलिए छुट्टियाँ बनाई है. और फटाफट कम कम लेट्स गो. घूमी घूमी स्कूटी दृष्टिका स्कूटी डेडा स्कूटी. बाय बाय वी आर गोइंग. बाय बाय दृष्टिका. बाय कम लेट्स गो. कम कम लेट्स गो. ओके बाय. चलो चलो राहुल चलो चलो निकलो तुम्हारा. चलो बाय दृष्टिका. बाय यू वॉन्ट टू गो. कम लेट्स गो. चाबी उधर लग रही है. इसको चाबी वहाँ है. चाबी आई थिंक उसको लग रही है. चाबी यही. ओके बाय कम. चलो कम कम लेट्स गो. कम लेट्स गो. घूमी घूमी लीव दिस लीव दिस. चलो लेट्स गो. ये Yes, fish. Where is Sai Ram? Jai Sai Ram. Om Sai Ram. आप अभी डिक्की से अभी आए? अभी आ सुन रहे हैं हम बस. आप कौन से कैसे? आह ये है इधर. कौन है ये? किशन नगर चौकी से. इज 9:12 हो गया है और हम लोग आराम नवाज कम करो थोड़ी सी प्लीज़. मैच चल रहा है. पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे. थोड़ी सी कम थोड़ी सी. थैंक यू. तो मैंने माइलस्टोन चार्ट बना दिया है. लेट मी शो यू. तो मैं ऐसे माइलस्टोन चार्ट ऑफ अ 9 month बेबी. ये मैंने अभी ऑलरेडी नोट कर लिया और 10 month कंप्लीट कर लेगी. तब तक उसको त्रिशिका को ये सारे जितने भी माइलस्टोन्स हैं ये कवर करने हैं. ये मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी क्या है. अभी मैं साइड में जो मैंने लिखा है ना वो मैं दिखाती हूँ कि मुझे अभी इस 15 दिन बचे हैं ऑलमोस्ट. इस 15 दिन में मुझे क्या क्या त्रिशिका को सिखाना है. लर्न टू से नो. मतलब त्रिशिका को नो का मतलब पता होना चाहिए. जैसे कोई सेफ्टी वाली जगह है. एक मिनट. हाँ तो मैं नीचे बैठ जाती हूँ. मतलब जैसे कोई डेंजर जगह है तो त्रिशिका को बताना है मेरे को कि नो, ताकि त्रिशिका को नो का मतलब समझ आ जाए. उसके बाद मुझे त्रिशिका को एनकरेज एक्सप्लोरेशन. मतलब एन लगाना. मैं यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने एन नहीं लगाया. एक्सप्लोरेशन मतलब होता है उसको अलग अलग नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कराना है. वियर योर बेबी. यहाँ पे वियर योर बेबी का मतलब होता है अगर आपको कोई काम, क्योंकि बच्चा तो आपको काम करने नहीं देगा. और 9 month तक आते आते बच्चों की नींद भी कम हो जाती है दिन में, तो आपको काम तो करना है. तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप लोग कैरियर के साथ अपने बच्चों को पीछे कमर पे लगा के आगे लगा के अपना काम कर सकते हो. तो उसको ये सिखाना है. फिर स्टार्ट न्यू फूड. अभी उसको और नए नए फ्रूट्स मुझे फूड्स खिलाने सिखाने हैं. उसके बाद यूज़ अ सीपी कप. शी ऑलरेडी डू दैट तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद हर. स्पून ट्राई कराना है. स्पून नहीं अभी त्रिशिका को ढंग से आता है. वो टेढ़ा मेढ़ा यूज़ करती है. मुझको अभी क्या करना है कि प्लास्टिक का स्पून परचेज करना है त्रिशिका का. फिर मुझको उसको स्पून से खाना खुद से, मतलब सेल्फ फीडिंग जो मैंने यहाँ पे कवर किया है, वेरी सेल्फ फीडिंग फीडिंग हर सेल्फ है. इसको मुझे इसके थ्रू कवर कराना है. उसके बाद ऑफर फिंगर फूड्स. मतलब अभी ये शी ऑलरेडी यूज टू ईट फिंगर फ्रूट्स, बट अभी मुझे फिंगर फ्रूट जो फूड्स होते हैं वो और बढ़ाने हैं.
डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू ईट, दिस इज लाइफ लास्ट वन. ये मैं फॉलो करती हूँ ऑलरेडी, मैं उसको बिल्कुल भी फोर्स करके नहीं खिलाती हूँ ऋषिरा को. तो ये वाली जो चीज़ है वो 9 मंथ के बेबी को आनी चाहिए. दिस इज द ट्रेनिंग पार्ट बेसिकली विच यू नीड टू कवर. मैंने देख ही लिया जो ये टू डू चार्ट था, टू डू लिस्ट है ऋषिरा के साथ मुझे करानी है. अभी हम लोग थोड़ा मार्केट, यस अभी हम लोग गए थे. प्लीज़ ये प्लीज़ माइंड मत करना, ऋषिरा ने मेरे सारे लेक लगा दिया यहाँ पे. यस ऋषिरा यू वॉन्ट टू कम, वेट वेट वेट. ऋषिरा का लॉन्ड्री बैग है ये. यस वे यू वॉन्ट टू गो राहुल, इसमें ना दूध ही पिया, वो दूध रखा था. नहीं अभी पिलाया, अभी बनाया मोनी ने. तो डाटा की ड्यूटी लग गई एक्चुअली. तो हम लोग अभी गए थे, जो हम लोगों को टोकन मनी एक्चुअली दे रहा था, हम लोग बिल्कुल रेडी होके गए थे. बट वहाँ पे जाके थोड़ा सा इशू हो गया. इशू ये है कि उनको अभी प्लॉट परचेज करना है, तो उन्होंने हमसे थोड़ा टाइम मांगा कि हम लोगों को 6 महीने का, बल्कि हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, तो विद इन 2 मंथ हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, खरीद लेंगे मकान जो भी है, विला वगैरह जो भी होगा. बट वो अब हमसे ये कह रहे हैं ना, अभी तक उनका वैसे सब कुछ सही चल रहा है, बस वो हमसे थोड़ा ज़्यादा टाइम मांग रहे हैं. हम लोग रेडी नहीं हो रहे हैं. वैसे उल्टा होता है, जो लेने वाला होता है वो ज़्यादा टाइम मांगता है, पर यहाँ पे उल्टा सीन है. हमारे पास सब कुछ रेडी है, हम लोग उनको कह रहे हैं आप हमें विद इन 2 मंथ में पोजेशन दे दो, हम लोग आपको पूरी पेमेंट कर देंगे. बट उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनको अभी प्लॉट लेना है और अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना है. तो प्लॉट लेने में कम से कम 3 महीना बोल रहे हैं राहुल, 3 महीना उनको वो लगेगा, मतलब दे आर नॉट रेडी बेसिकली. और उनको सेल आउट भी करना है और रेडी नहीं है, और वो हमारे पैसों का वेट करें तो हम लोगों के पैसे डंप हो जाएंगे. इसलिए हम लोगों ने बोला आप टाइम दो, और हम लोगों को अगर कुछ हो सके तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. आप लोग विद इन 2 मंथ हम लोगों को पोजीशन दे दो, खुद किराए पे चले जाओ, हम लोगों आपको पूरी पेमेंट कर देंगे. तो यहाँ पे दे विल डिस्कस एट होम, और फिर हम लोगों को कल बताते हैं कि क्या होता है, मतलब यहाँ पे आके बात होगी बिल्कुल. तो जो लक में होगा वही होगा. मैं आज मैंने थोड़ा सा वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करी है, मैं डाल दूंगी यहाँ पे. अगर हमारा होता है तो इट्स ओके, नहीं होता तो चलो तब भी चलेगा, थोड़ा वीडियो क्लिपिंग है मैं ज़रूर डाल दूँगी. ऋषिका भी दूध पी रही है, ऋषिका भी सोएगी. खाने में अभी ना उसको मैं जागरी डाल के दे रही हूँ, तो शी इज़ लाइक ईटिंग इट प्रॉपरली. अगर मैं जागरी नहीं डाल रही हूँ किसी चीज़ में तो वो खा नहीं रही है, मतलब सॉल्टेड चीज़ें थोड़ी कम खा रही है और मीठी चीज़ें थोड़ी अच्छा उसको ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो मैं थोड़ी थोड़ी जागरी हर चीज़ में खाने में डाल दे रही हूँ उसके. रागी हो गई, राइस हो गया, राइस फॉरेज में रागी वो डाल दे रही हूँ. पर पूरे दिन में मैंने उसको खिचड़ी दी है नमक की, क्योंकि नमक देना भी ज़रूरी है बदलना बिल्कुल. वो रागी वगैरह में सब मैं उसको मीठा डाल के दे रही हूँ, जागरी डाल के दे रही हूँ. दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, कुछ भी ज़्यादा व्लॉग नहीं बना, थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग है. और तुझे कहा मैंने नहलाया नहीं है, बस ऐसे ही खाली ड्राई की. मतलब मैं वॉश बेसिन में ले जाके फटाफट मैंने वाइप किया, वाइप किया था वही पूरा अच्छे से भिगो के वो किया, पर प्रॉपर नहलाया नहीं है शैम्पू या साबुन लगा के. तो आज उसका स्किप हो गया है, क्योंकि हम लोगों का अचानक से जाना पड़ गया. और तब उससे पहले चलो गाइस मैं तुझे को ले लूँ, लेट मी शो यू द शो. यस मेरी ऋषिका, यस व्हाट इज ऋषिका डूइंग. खड़े खड़े अगर आप इतने अच्छे बैलेंस के साथ वो शेप मेंटेन करते हैं और जोर से ना मारने का प्रयास करते हुए भी 6 वर्कआउट होते हैं तो वाह लिटिल. ऋषि धाम ये खड़ी है गाइस, किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं है इसके पास. और एक शी स्टैंडिंग, अब उसने ऊपर पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया. अब ये सारे कपड़े धीरे धीरे निकाल के फेंकेंगे, आप 100% श्योर. ऋषिका नो, इसको नो सिखाना है, अभी टाइम लगेगा नो सीखने में, बट स्टिल इसको सिखाना. ऋषिका नो, ऋषिकास क्लॉथ, ऋषिकास क्लॉथ सर में लगाना अभी. नो नो बी केयरफुल, नो बी केयरफुल, बी केयरफुल, नो लीव दिस ऋषिका, लीव दिस, नो सी गाइस, नो लीव दिस, लीव दिस, नो ऋषिका, नो नो ऋषिका, नो लीव दिस. अगर आम मैसी होके नहीं खाया तो क्या खाया आम, है ना ऋषिका? यस और नो? आम को ऐसे ही खाना चाहिए जैसे ऋषिका खा रही है. बाकी जो हम लोग अच्छे से खाते हैं ना ऐसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे जैसे हमारी ऋषिका खा रही है. सीट को ज़्यादा खिला रही, खुद को खा रही. मम्मा खिलाए,
Wow. Mango. This is mango, Trishika. Mango. Mango. Trishika loves mango. हमेशा मुझे लगा था मैंगो उसका फेवरेट फ्रूट नहीं है, बट गुठली ना पूरी चूस दी है त्रिशिका ने. ये त्रिशिका लवली. ये देखो अब बताती हूँ. 12 बज चुके हैं रात के. एडिटिंग अभी तक मैंने कुछ नहीं करी है, अब मैं बस अपलोड करूँगी. और त्रिशिका सो चुकी है, और त्रिशिका को जब मैंने आम खिलाया ना उसके बाद मैंने उसको नहलाया, तो फाइनली आज नहलाया. ऐसा नहीं हो कि उसने नहीं नहाया, 10:30 बजे के करीब मैंने उसको नहलाया था. और उसके बाद तो वो बहुत अच्छे से सोती है, और उधर सो रही है डायपर में. तो गाइस गुड नाइट फॉर नाउ, कल फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ. कल आपको बताऊंगी क्या रहा हमारा, जो हम लोग ने घर देखा था उसका क्या रहा. अभी भी मेरा मन उस पर इतना ज़्यादा रखा है ना घर पे, बाकी तो जो होना है आई डोंट नो क्या होना है. फिर भी फिंगर क्रॉस है, काश वो घर मतलब वो लोग भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें हम लोगों के साथ, क्योंकि हम लोगों में तो बिल्कुल इतना सा भी हम लोगों ने उनको पॉइंट नहीं दिया कि मतलब उनकी तरफ से ही जो भी कुछ है उनकी तरफ से हो रहा है. तो गाइस इफ़ you like this video, please hit the like button and please do subscribe if you are new viewer. And guys, I will meet you tomorrow. Tab tak ke liye bye, good night and take care.